तो करिए C5H10 के आइसोमर्स कितने होंगे? तो आंसर है 10 ओनली स्ट्रक्चर। कैसे? इतना तो पता चल गया है कि ये एक एल्कीन है और इसकी DOU 1 है, यानी कि एल्कीन तो आएंगे ही आएंगे, साथ में साइक्लिक भी आएंगे। तो सबसे पहले तो अपन अपने तरीके से करते हैं, एक, फिर चेन को तोड़ना नहीं है, दो, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। अब चेन को थोड़ा छोटा कर लो, तीन, चार, पांच, ठीक है, इससे छोटी चेन बन ही नहीं पाएगी जिसमें पाई बॉन्ड भी आ जाए। पाई बॉन्ड, अगर आप सोचो कि ये सर चेन तो बन गई, लेकिन फिर पाई बॉन्ड कहाँ लगाओगे? पाई बॉन्ड जहां लगाओगे कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5। तो ये तो गलत है। अब आप साइकिल पे आ जाओ, सबसे पहले 5 कार्बन है, एक, चेन को छोटा करो, दो, चेन को और छोटा करो, 2 कार्बन लगा दिए, 5 और 2 7। अब इसमें बनाते जाओ, कुछ दिक्कत आई समझने में? तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए? 10। हेडिंग क्या डालेगा? आइसोमेरिज इन एल्काइन। आइसोमेरिज इन एल्काइन। तो अगला पॉइंट आपके पास हो जाएगा आइसोमेरिज इन एल्काइन। C2H2 कोई आइसोमेरिज शो कर सकता है क्या? नहीं, नॉट शो, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही बन के रह जाएगा कंपाउंड, और वो ये है, इसके अलावा आप सोच ही नहीं सक पाओगे। फिर आता है C3H4, इसके आइसोमर्स बन सकते हैं क्या? देखते हैं। एक तो ये बन सकता है, एक साइक्लिक अगर हम बनाए तो ये बन सकता है। DOU मुझे हमेशा क्या चाहिए इसकी? 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। 2 पाई बॉन्ड है या एक और एक साइकिल। अब इसके अलावा कुछ और बन सकता है क्या इसमें? नहीं, सिर्फ हम स्ट्रक्चर आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास आएगा C4H6, इसके कितने आइसोमर्स होंगे? 1 और आइसोमर्स बन सकता है, आपने ध्यान नहीं दिया, देना चाहिए था ना। अरे एल्काइन के आइसोमर्स बनाने, कुछ भी आ जाए, ये एल्काइन थोड़ी ना है, आपको आइसोमर्स बनाने हैं इसके, वो भले ही डबल ई नहीं क्यों नहीं बन जाए। और अगर डबल बॉन्ड साथ साथ आए तो इसे क्या बोलते हैं? क्यूमुलीन या फिर अलीन, एलीन। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? तो इसका क्यूमुलीन भी बोल सकते हो। क्यूमुलीन तो उसकी क्लास हो गई, इस तरह के सारे जिसमें डबल बॉन्ड कंटिन्यू आया ना, वो सारे क्यूमुलिन कहलाते हैं। इसका पर्सनल नेम क्या है? एलीन। क्यूमुलिन तो उसकी क्लास है, जिस क्लास में ये बैठता है। चलिए ठीक है, अब इसके बनाने पड़ेंगे तो बहुत सारे बनेंगे, 4 कार्बन, एक, दो, कार्बन कम नहीं करना चाहते, 3, चार, बन गए तो बनते जा रहे हैं, तो
कार्बन कम करें एक, इधर चार कार्बन के हो गए, तीन कार्बन कर लिया आपने। अब आप भी बताओ, तीन कार्बन के कर लिए तो आपके पास तो, क्योंकि यहां लगा नहीं सकते, यहां लगाते वो तो ये तो पॉसिबल है नहीं, रिपीट हो रहा है। आपने सोचा कुछ और करते हैं, कॉर्नर पे लगा नहीं सकते, क्या करेंगे, साइक्लिक अभी अपन को बनाने नहीं है। चलिए दो कार्बन कंटिन्यू ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी बीच में लगेगा नहीं, यहां लगते ही हमारे लिए वो वाला हो गया, इधर लगते ही वो हो गया, तो ये भी रिपीट हो गया। चार कार्बन से तो हम, तीन कार्बन से तो कर ही नहीं पा रहे, तो एक कार्बन से तो भूल ही जाओ, दो से भी भूल जाओ, साइक्लिक पे आ जाए हम। आ गए ये समझ में? इसके अलावा कुछ बन रहा है तो सोच लो, दिमाग लगा लो आप, सही है। अब साइक्लिक पे आ जाओ, कितने कार्बन है, चार कार्बन, ये बन सकता है, बाई साइक्लो भी बन सकता है, क्योंकि डीओयू कितनी है इसकी, दो, तो बाई साइक्लो ले लो। क्या कोई और पॉसिबिलिटी दिख रही है? नहीं। अब कार्बन कम ही करने पड़ेंगे, तीन कार्बन, डबल बॉन्ड यहां लगा सकते हो, मना तो कोई नहीं करेगा, यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, फिर रोटेट करोगे तो आइडेंटिकल आ जाएगा। टोटल आइसोमर्स कितने होंगे इसके? नाइन। स्ट्रक्चर आइसोमर्स नाइन, जिसमें से फोर एलिफेटिक और फाइव साइक्लिक। ये क्वेश्चन आया था कभी नीट में या एम्स में, इसके साइक्लिक आइसोमर्स कितने थे? आंसर गोज टू फाइव। देखिए अच्छा एग्जाम्पल है, हमसे ये पूछा जा रहा है C5H10 के कितने आइसोमर्स बनेंगे, ओनली साइक्लिक बनाने, तो इतना तो दिमाग में रख सकते हैं कि C5H10 H8 एक एल्काइन है, यानी DOU 2 है, दो पाई बॉन्ड। अब साइक्लिक बनाने के लिए या तो बाईसाइक्लिक होंगे या साइक्लिक मोनोसाइक्लिक है तो एक पाई बॉन्ड होगा। मोनोसाइक्लिक में ट्राई बॉन्ड नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि फिर DOU बहुत बढ़ जाएगी। तो आपने सबसे पहले पांच कार्बन की बनाई और एक पाई बॉन्ड ले लिया, फिर पांच बॉन्ड की बनाई यहां कर लिया, फिर अब ये पाई बॉन्ड को घुमा नहीं सकते क्योंकि आइडेंटिकल आएगा, तो चार की ही बनेगी अब, और यहां पाई बॉन्ड लगा दिया, यहां लगा दिया और दूर कर लिया, लेकिन अगर मैं वापस यहां लाता हूं तो रिपीटेशन हो गया, तो बात एक ही है। अब इससे काम नहीं चलेगा, सही है। आपको अब बाई साइक्लो बनाना पड़ेगा, फोर में बाई साइक्लो ये बनाया और बाई साइक्लो ये बनाया, दो पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बाई साइक्लो है, और ध्यान रहे कि सब जगह डीओयू कितनी रहेगी आपकी, दो। फिर अब फोर से भी काम नहीं चला, थ्री से हम लेके आए, हमने थ्री के लिए इस तरह से लगा दिया, डीओयू दो है, पाई बॉन्ड को यहाँ लाए, पाई बॉन्ड को यहाँ लाए, पाई बॉन्ड को यहाँ लाए, अब इधर लाते हैं तो रिपीटेशन है, तो हमने वापस इसको तोड़ दिया और इस वाले ग्रुप को इस तरह से बना दिया, पाई बॉन्ड को यहाँ लाए, पाई बॉन्ड को इस तरह से रखा, और ये दोनों इस तरह से रख लिए, या इस तरह से रख लिया, या इस तरह से रख लिया, तो बहुत सारे हमारे पास पॉइंट्स आ सकते हैं। तो अरे बात, हम साइक्लोब्यूटीन इसमें इस तरफ, अगर आप इस तरफ से रखते हो तो वन टू पोजीशन, और एक मिनट, आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर मैंने यहां रख दिया तो वन टू पोजीशन, टू पे ही आ गया, तो ये और ये एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं दिखाई दे रहे आपको? ध्यान से देखें, नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री, एल्कीन को थ्री मिथाइल, वन टू थ्री सेम है, यानी ये और ये आइडेंटिकल है, तो टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, ये 15। आ रही है बात समझ में? तो इसके 15 से नहीं हो रहे। आप देखो, आप जब भी कोई आंसर बताओ तो एक बार देख लो कि क्या उसका आइसोमर्स, उसका नेम वो तो नहीं आ रहा है, रिपीट है, अब रिपीट होंगे, तो लॉक कर दें अपन। तो ये हमारा एल्काइन का लास्ट हो गया, जिसमें अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, तो इससे ज्यादा टफ तो कोई नहीं पूछ रहा आपसे।
आपको मैं वापस आइसोमेरिस पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रक्चर आइसोमेरिस, जिसमें फंक्शनल ट्यूटोमर्स मेटामर्स चेन पोजीशंस आएंगे, सही है? और एग्जांपल ले रहा हूँ, फाइंड स्ट्रक्चर आइसोमर्स, आइसोमर्स मतलब हम एक एल्केन लेके एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारे लिए C4H10O। पहले तो ये बताइए ये एल्केन होगा या एल्कीन होगा या अल्कोहल होगा? ये अल्कोहल होगा। सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड? सेचुरेटेड, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इसकी DOU कितनी है यहां पर? जीरो। तो इसके आइसोमर्स बनाने, ये अल्कोहल भी बना सकता है और ईथर भी बना सकता है। तो चलिए ठीक है, तो हमारा आइसोमर्स बन गया, हमने चार कार्बन का और हमें OH लगाना है, हमने सिर्फ अल्कोहल बनाने हैं, ऐसे बनाएंगे। अब कार्बन कम कर देते हैं, OH यहां लगा दिया, OH यहां लगा दिया, बाकी पोजीशन आइडेंटिकल होगी, यस और नो? तो कितने अल्कोहल बन सकते हैं इससे? पांच, चार, सॉरी, आपसे ज्यादा बन रहे हैं क्या? बोलो बन रहे हैं तो बता दो, नहीं बन रहे ना? मुझसे भी नहीं बन रहे, तो आंसर क्या जाएगा इसका? चार। सिर्फ इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सोच लो, अगर आपको बन रहे हो तो बता दो, नहीं ना? अब किस पे आएंगे हम? ईथर पे। ईथर भी सेचुरेटेड हो सकती है, तो ईथर बनाते वक्त एक कार्बन इधर ले लिया और तीन कार्बन इधर ले लिए, कर सकते हैं हम। एक और काम कर सकते हैं, इधर का ये मेटामर्स बना दिया इसका, एक और काम कर सकते हैं, ये भी मेटामर्स, एक कार्बन इधर लिया है, तो कितनी ईथर बनेगी इसमें? तीन। और अल्कोहल कितने बनेंगे? चार। तो बनाने का तरीका आपका मेरे जैसा ही होना चाहिए, बहुत सही तरीका है, इजी। मैंने नहीं पूछा, अगर मैंने C3H8O दिया होता तो आप तीन कार्बन पे तो बहुत आसानी से बना सकते थे, अल्कोहल कितने बनेंगे? बस इससे ज्यादा आप चेन छोटी नहीं कर सकते, तो दो अल्कोहल बनते, ईथर कितनी बनती? बस एक ही, तो टोटल आइसोमर्स ही तीन बनते। क्या इससे कीटोन बन सकते हैं? नहीं। एल्डिहाइड बन सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि DOU 1 होती है, आप सोच ही नहीं पाओगे, सही है? आ गई बात समझ में? तो अगला क्वेश्चन, अल्कोहल से हटके मैं आ रहा हूं सीधा DOU 1 करने, कर दूं मैं? ये लो, पब्लिक के डिमांड पे DOU कम कर दी मैंने। अब आपके दिमाग में एल्डिहाइड और कीटोन आ गए, ध्यान से सुनो, साइक्लिक ईथर भी आ गया, C4H8O। तो आपके बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, तो थोड़ा सा सब्र करो, मैं सिर्फ आपसे इससे एल्डिहाइड और कीटोन पूछना चाहूंगा, बहुत सारे बन जाएंगे, बना लोगे आप सारे? चलिए इससे बनाना शुरू करो, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन ही बताओ आप, एंड कीटोन्स। तो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स ही बताने, नहीं तो आपके पास साइक्लिक ईथर आ जाएंगे और आप परेशान हो जाओगे, रहने दो, इनोल भी बन जाएंगे, DOU एक बढ़ाते बहुत आंसर हो जाएंगे, आप परेशान हो जाओगे बनाते बनाते। तो आप सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन, तो चार कार्बन के कितने एल्डिहाइड कीटोन बन सकते हैं? डबल बॉन्ड यहां आएगा, यहां आ गया, बस, और तो कुछ नहीं कर सकते, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, रिंग छोटी, चेन छोटी करो, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, बीच में ला नहीं सकते, तो कितने एल्डिहाइड बनेंगे इसके? एक एल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड और एक कीटोन, आ रही है बात समझ में? टोटल आइसोमर्स मत पूछो,
अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। अब इसी क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज करते हैं। C5H10O एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनाइए आप। पांच कार्बन, 1 2 3 4 5, फिर रिपीटेशन हो जाएगा। के चेन छोटी कर दो, चेन और छोटी कर दो। तो बताइए कितने एल्डिहाइड आ रहे हैं, एल्डिहाइड 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 एल्डिहाइड, कीटोन कीटोन कीटोन, एल्डिहाइड कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, और कीटोन्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3, तीन तीन तीन, तो टोटल 4 3 7। आपका भी यही आंसर आ रहा है, लॉक कर दें, किसी का एक भी ज्यादा तो नहीं आ रहा। क्या साइक्लिक एल्डिहाइड बना सकते हो, कि साइक्लिक एल्डिहाइड बनाते हैं, एल्डिहाइड की एक DOU तो पहले ही आ गई और साइकिल की एक और आ जाएगी, तो 2 DOU तो दे ही नहीं रखी इस कंपाउंड में, या सुनो, तो इसलिए आपको यहां पर एल्डिहाइड 4 और कीटोन कितने मिलेंगे, 3। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए एक और क्वेश्चन है। एमीन, एमीन से रिलेटेड लेते हैं हम। एमीन हमारे पास क्या होगा, C3H8N। मैंने आपको पहले ही बोला था, याद करो मेरी एक बहुत अच्छी अप्रोच है, नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन खाता है, तो अगर खाता है तो आपको यहां पर क्या लिखना, 9 लिखोगे, खाएगा तो एक हटा दो, जितने नाइट्रोजन है उतने ही खाएगा, एक नाइट्रोजन एक खाएगा, दो नाइट्रोजन दो खाएंगे, एक नाइट्रोजन एक खाते ही कितने बचा, C3H8 एल्केन बन जाएगा। तो ये जो एमीन होगी वो सेचुरेटेड एमीन होगी या अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड पक्का। अगर मैं यहां पर 7 या कुछ और लिखता तो दिक्कत आती, फिर अनसेचुरेटेड आ जाती, तो अभी तो ये 100% C3H9N एक सेचुरेटेड एमीन होगी। इससे कितनी एमीन बन सकती है, फाइंड स्ट्रक्चर आइसोमर्स, एमीन, सिर्फ एमीन, वैसे भी एमीन ही बनेगी, नाइट्रोजन है तो ये नाइट्रोजन है, 1 2 3, 1 2 3 बन गए, ये भी बन सकती है। अब 2 डिग्री एमीन और अब 3 डिग्री एमीन, तो टोटल एमीन मुझे 4 दिखाई दे रही है, आपको कितने, 4 ही है, तो आंसर कितना होगा इसका, 4। तो एग्जामिनर की बात को भी पकड़ो, आप भी एग्जाम बनाना सीखो। अगर मुझे C4 लेना है तो एच कितने होंगे, 4 2 8, 9 10 एल्केन और 1 11, फाइंड एमीन स्ट्रक्चर, एमीन सिर्फ स्ट्रक्चर आइसोमर्स निकालना है। चार कार्बन है,
एक दो तीन चार, ये सारी तो 1 डिग्री अमीन है जो मैंने बनाई है। क्या इससे ज्यादा 1 डिग्री अमीन बन सकती है? मुझसे तो नहीं बन पा रही, आप देख लो 1 डिग्री अमीन कितनी बनी है, 4। अब 2 डिग्री अमीन बनाते हैं, एक तरफ 3 रख लो और एक तरफ 1। टू डिग्री अमीन तो इससे ज्यादा भी नहीं बन, नहीं अभी बन सकती है। और टू डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, और 3 डिग्री अमीन कितनी बनेगी आप खुद बताओ। नाइट्रोजन इससे ज्यादा 3 डिग्री अमीन नहीं बन पा रही है, तो टोटल अमीन कितनी बनी? टोटल आंसर कितना होगा जल्दी से बोलो। 4 4 8 और 1, देखो 4 ये है, 3 ये है और 1 ये है, तो 4 प्लस 4 टोटल 8। कुछ समझ में आ रही है बात? तो आप बहुत सिस्टमेटिक आंसर्स निकाल रहे हैं, इससे ज्यादा किसी के बनी है क्या? नहीं ना। अब आपके लिए क्वेश्चंस, फाइंड टोटल आइसोमर्स, बेंजेनोइड आइसोमर्स, तो बेंजेनोइड आइसोमर्स के का मतलब क्या है? जिसमें बेंजेन रिंग होना जरूरी है, यानी फिनाइल ग्रुप होना जरूरी है। समझ में आ रही है? तो फिनाइल ग्रुप में कितने कार्बन होते हैं? 5, और एक मैंने एक्स्ट्रा ले लिया 6, और एक 7। फिनाइल में 6 कार्बन होते हैं, एक ले लिया 7, तो C7। पांच 6 7 8 और ओ, टोटल बेंजेनोइड्स आइसोमर्स ऑफ दिस, इसके आंसर्स निकालें आप। बेंजेनोइड का मतलब दिमाग में ये तो बिठा लेना कि बेंजीन है, और ये बनाए इसको। ये एक बार मैं फिर बता रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है, फाइंड डाइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ दिस बेंजीन, यानी हमने एक सीएल यहां लगाया, एक यहां, फिर उसको इस तरफ शिफ्ट करा, फिर इस तरफ कर दिया, तो हमारे टोटल आइसोमर्स कितने बन रहे हैं? 3। तो आंसर कितना होगा? 3। अगला पॉइंट, फाइंड मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ नेफ्थालीन, तो ये हमारे पास नेफ्थालीन हो गया और एक ही क्लोरीन लगाना है, तो एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, फिर रिपीटेशन हो जाएगा। लेकिन मजे वाली बात यह है कि फाइंड डाइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ नेफ्थालीन, इसको ध्यान से समझना, बाकी सब इजी है। तो हम किस तरह की अप्रोच लगाते हैं? हम पहले सीएल को यहां लगा दिया एक नंबर पे, यही अप्रोच सबको लगानी है, फिर उसके बाद यहां लगाएगा एक, फिर दो, फिर उसके बाद 3, फिर 4, फिर घुमाते जाओ 5, फिर 6, फिर 7। तो यहां तक तो आप पहुंच गए 7 आइसोमर्स, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करो, क्लोरीन को लगाओ 2 पोजीशन पे, और दूसरी क्लोरीन को लगाते वक्त ध्यान रखना कभी भी वो अल्फा पोजीशन पे नहीं आए, क्योंकि अल्फा पोजीशन ये ऑलरेडी हम कंसीडर कर चुके हैं, अगर एक अल्फा पे आते ही दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। समझ में आ रही है बात? तो अल्फा पोजीशन जानते हो ना, ये अल्फा कहलाती है और ये बीटा, तो अल्फा पे गलती से भी नहीं आए, हमने यहां लगाया ठीक है, बीटा पोजीशन है, यहां लगा दिया कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही यहां लगाएंगे एक अल्फा आ गया, इधर से भी तो अल्फा हो गया, वो कहीं ना कहीं रिपीटेशन होगा, तो यहां मत लगाओ, फिर यहां लगाओ, फिर यहां लगाओ, ध्यान रहे अल्फा नहीं आना चाहिए कोई सा भी,
तो आपके टोटल आइसोमर सेम आएंगे, और आपको देखना भी नहीं पड़ेगा कि आपसे कोई गलती हुई है, रिपीटेशन होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे। कोई डाउट? तो टोटल आइसोमर्स कितने आ रहे हैं इसके आंसर? 10। यस और नो? तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है कॉन्सेप्ट्स को समझना, हमने बहुत सारे कर लिए इस जगह। अब आगे लिखें इसको, तो आइसोमेरिज मेरे को बनानी है एस्टर के लिए। टोटल पॉसिबल एस्टर ओनली स्ट्रक्चर बाय फर्स्ट डीओयू एस्टर की हमेशा क्या रहेगी? वन तो रहेगी रहेगी, तो आपने ले लिया वन, यानी कि आपके दिमाग में है सी फोर एच एट ओ, समझ में आ रहा है? और ओ टू लेंगे एस्टर के लिए डीओयू वन, तो आपके दिमाग में ये एक दो तीन और एस्टर है, तो ये तो बनेगा ही बनेगा। कितने आइसोमर्स बन सकते हैं इससे देखते जाओ। एक कार्बन इधर कम कर दिया, दो कार्बन और कम कर दिया, करने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। तीन इसमें और पॉसिबिलिटी हो सकती है। चार, आंसर कितना जा रहा है इसका? चार। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाएंगे। चार, चलिए एक और बता दो, सी फाइव एच ओ टू, सेम चीज इसी में एस्टर बताने हैं आपको। करें आप, आपको पूरा टाइम दिया जा रहा है। एक एग्जाम्पल मैंने करा है, एक आप करिए। तो बताइए इसके सी फाइव एच टेन ओ टू के आंसर कैसे बनेंगे? पहले अपन ने क्या करा, चार और एक तरफ एक तो रखना ही है मिनिमम। अगर आपने वहां पर ये भी उधर रख दिया तो एसिड बन जाएगा, जबकि वो क्या पूछ रहा है? एस्टर, सिर्फ एस्टर पूछ रहा है। तो एक कार्बन उधर रख दिया, इसको चेन को थोड़ा छोटा कर दिया, इससे ज्यादा छोटा आप नहीं कर पाओगे, तो दो तो ये बन रहे हैं। फिर आपने क्या करा, एक की जगह दो उधर रख दिए, तो दो इधर रखना है, इसको कैसे भी नहीं घुमा पाओगे, तो इसका एक ही बनेगा। फिर क्या करा, एक कार्बन और उधर ले गए, तो इससे दो पोजीशन आ जाएगी, या तो ये यहाँ लगेगा या ये यहाँ लगेगा, तो दो बन गए। फिर क्या करा, बचा हुआ एक कार्बन और ले गए उधर, तब आपके पास उधर कितने हो गए? चार। चार को हम बहुत तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, मिथाइल ग्रुप को उठा के लिया है इधर, एक कोर को लिया है, और क्या कर सकते हैं हम, एक कोर को उठा के इसको यहाँ की जगह यहाँ लिख दिया, और एक और थ्री डिग्री ही ले लिया हमने पूरा, सही है? तो हमारे टोटल कितने होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और एक नौ, ये हमारे पास नौ हो गए। कोई दिक्कत? एमाइड पे भी एक एग्जांपल लिया जाए बस, फिर हम फ्री कर देते हैं। चलिए ठीक,